पूर्व से ही देखा गया है कि कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं के साथ ठगी करने का काम किया है, और जहां पर महिलाओं के सम्मान की बात आती है, जहां कांग्रेस नारी सम्मान का नारा दे रही थी, पूर्व से ही देखा गया है कि कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं के साथ ठगी करने का काम किया है, और जहां पर महिलाओं के सम्मान की बात आती है, जहां कांग्रेस नारी सम्मान का नारा दे रही थी, वहीं पर एक बार फिर से प्रदेश की महिलाओं के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी ने रचा है, और उसका उदाहरण फिर से सामने आया है। ये नारी सम्मान के जो फॉर्म भरवाए गए थे, जिसमें समग्र आईडी, आधार कार्ड और साथ में मोबाइल नंबर लिया गया था, अब वो ठेलों पर दिखाई दे रहा है। कोई उसमें कचौड़ी बेच रहा है, कोई उसमें मूंगफली बेच रहा है, और इससे स्पष्ट नजर आता है कि मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं, उनके जो गोपनीय दस्तावेज हैं, जो बैंक से कनेक्टेड है, जो विभिन्न जगहों पर कनेक्टेड है, जिससे सिम खरीदी जाती है, आज उसके लिए साइबर फ्रॉड के लिए, महिलाओं के साथ छेड़खानी के लिए, उनके बैंक में जो पूरा पैसा है उसको ठगी करने के लिए, उसको फ्रॉड करने के लिए कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी ने खुले तौर पर छोड़ दिया है। और इसका मिसयूज जो हो रहा था वो एक नौशाद खान सामने आया ही था, और फिर से जिस तरीके से ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले में कागजात गिरे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी इस पर घोर आपत्ति करती है। हमारी सरकार के द्वारा जरूर फॉर्म भरवाए गए, पर वो संवैधानिक तौर पर थे, अधिकारियों के द्वारा थे। किसी भी पार्टी को अधिकार नहीं है कि महिलाओं के इस प्रकार से गोपनीय जो डिटेल्स हैं उसको एकत्रित करे। कांग्रेस ने एकत्रित भी करी, और एकत्रित करने के बाद उसको संभाल के भी नहीं रखा है। अगर कल को इन महिलाओं के खातों में से पैसा निकल जाता है, कोई किसी प्रकार से इनको परेशान करने लगता है, अगर इन महिलाओं के साथ प्रदेश की ठगी होती है, फ्रॉड होता है, तो क्या कमलनाथ जी आप इस पे जिम्मेदारी लेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी इस पे जिम्मेदार लेगी? क्या इस पे प्रियंका गांधी जी अपनी जिम्मेदारी बुक करेंगी? भारतीय जनता पार्टी इसमें देखेगी कि किस प्रकार से, क्या इसमें FIR लॉन्च हो सकती है, इसके कानूनी पहलू क्या है, और आवश्यकता पड़ने पर प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनकी डिटेल्स की सुरक्षा के लिए हम कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज करवाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।